पीएचई डेलीविजर्स की जानिब से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें पीएचई डेलीविजर्स ने साफ तौर पर यह सरकार को चेतावनी दी है कि 28 तारीख की शाम से 29 तारीख की शाम 8 बजे तक टूल डाउन स्ट्राइक रहेगी और 29 तारीख को तमाम पीएचई डेलीविजर्स चीफ इंजीनियर ऑफिस बीसी रोड में इकट्ठे होंगे और आगे की क्या रणनीति रहेगी वो तभी फैसला लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी जब बड़े बड़े पैमानों पर पीएचई डेलीविजर्स ने एहतजाजी मुजाहरे किए, बीजेपी लीडर्स के घरों का घेराव किया। उसके बाद भी अगर पीएचई डेलीविजर्स को मिले तो सिर्फ 75 रुपये। आज की इस महंगाई वाले दौर में अगर हम बात करें तो किस तरह से 9000 में भी घर चलाना जो है वो किस तरह पॉसिबल हो सकता है, किस तरह मुमकिन है कि 9000 में ये लोग अपना घर चलाएं। इन पर लाठीचार्ज भी किए गए, काफ़ी अरसे से एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारे लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम की जाए, लेकिन अभी तक इनके मसाइल की ओर तवज्जा नहीं दी जा रही है। और अब पीएचई डेलीविजर्स ने फैसला लिया कि बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा 29 तारीख को, और उसके बाद 29 तारीख को 28 और 29 के दरमियान जो है 24 घंटे की टूल डाउन स्ट्राइक रहेगी और इसके बाद जो है आगे की रणनीति क्या रहेगी वो फैसला लिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखें कि पीएचई डेलीविजर्स का क्या कहना है, उसके बाद फिर से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया के साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो लगातार गरीब मजलूम वर्ग की आवाज़ उठाने में पूरा तावन और सहयोग किया है। आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो पीएचई एम्प्लाइज यूनाइटेड फ्रंट के जो सीनियर मेंबर्स हैं उन सब, जिसमें हमारे मुंशीराम बाली जी, उनके साथ अनिल वर्मा जी, अशोक जी और भी बहुत सारे साथी, पुरुषोत्तम जी, मनमोहन जी यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर हमने जो जिला के यहाँ के जो DDC चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की और उनको जो एक मेमोरेंडम, जिसे कह लूँ पैम्पलेट, जो हमारा टूल डाउन स्ट्राइक का 28 तारीख रात 8 बजे से लेके 29 तारीख रात 8 बजे तक, ये 24 घंटे का अल्टीमेटम जो सरकार को हमने दिया है कि अगर इससे पहले सरकार हमारी डिमांड्स को फुलफिल करती है, जिसमें 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स हैं, तमाम पीएचई के एम्प्लाइज डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट जो एज पर दिल्ली यूटी वो जो है मुहैया करवाया जाए और उसके साथ साथ 70 माह का जो बकाया वेतन है वो मुहैया करवाया जाए और जो साथी ऑन ड्यूटी हमारे जो है डेली वेजर्स के तौर पे सेवाएं देते, डेथ जिनकी हो गई है उनके परिवार से एक स्थायी नियुक्ति और साथ साथ जो उसका 10 लाख रुपये कंपनसेशन उसको मुहैया करवाया जाए, ये डिमांडें हैं, इन्हें फुलफिल कर दिए। अगर नहीं तो 29 तारीख को जो पूरी तरह से जो वाटर सप्लाई का क्राइसिस अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है उसकी सारी जिम्मेवारी जो रहेगी वो डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों की रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना के पीएचई एम्प्लाइज डेली वेजर्स एम्प्लाइज की। साथ साथ आपके माध्यम से मैं पूरे जिला रियासी के कटरा, पैंथल, रियासी, अरनास, दरमाड़ी, मोहर, गुलाबगढ़, उसके साथ साथ पौनी, पांबला, पूरे जिला में जहाँ भी हमारे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स साथी हैं उन सभी तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि ये आर और पार की लड़ाई है और जिसमें 28 तारीख को वर्कर्स अपने जो कार्य हैं उसको ठप करके 29 तारीख ठीक सुबह 10 बजे एतवार को सभी वर्कर्स जो है पूरे जम्मू पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस जम्मू में एकत्रित होंगे और वहां से आगे रणनीति का ऐलान कर दिया जाएगा कि किस ओर इस जद्दोजहद को लिया जाएगा। मैं अपील करता हूं कि हमारे जो सीनियर मेंबर हैं पीएचई एम्प्लाइज यूनाइटेड फ्रंट के मुंशीराम बाली जी वो भी अपनी बात रखें। मैं आज जहाँ पर हमारी जो मीडिया है रियासी के अंदर, मैं उसका शुक्रिया करता हूँ। मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं जो 29 तारीख की हमें काम शुरू हड़ताल दी हुई है उसको कामयाब करें और 29 तारीख को हम चीफ ऑफिस में सभी साथियों से अपील करता हूं सभी जो जम्मू में इकट्ठित हो जाए। जैसे आज हमारी पूरी पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की टीम अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन श्री सर्व सिंह नाग जी से मिली है तो हमारे जो 28 और 29 को जो काम छोड़ो हड़ताल है, मेरा पूरे रियासी डिवीज़न और रियासी डिस्ट्रिक्ट के सभी पीएचई वर्कर से अनुरोध है कि कृपया दो गुटों में ना बढ़ते हुए हम अपने बच्चों की के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम सभी एक प्लेटफार्म के ऊपर आकर इस स्ट्राइक को कामयाब करें। अगर हम इस बार भी बंटे रहे तो आगे आने वाले दिनों में हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए मेरा सभी वर्करों से हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि हम एक मंच पे आके इस स्ट्राइक को कामयाब करें, तभी हमारा कुछ
आगे भला होगा, नहीं तो हम जैसे 25 सालों से खज्जल हो रहे हैं आगे भी ऐसे ही खज्जल होते रहेंगे। इतना ही बोलते होंगे, मेरा सबको जय हिंद। और इसके साथ साथ मेरा सभी वर्करों से ये अनुरोध है कि 28 तारीख को हमारी काम छोड़ो हड़ताल है और 29 तारीख को सुबह 10 बजे रियासी डिस्ट्रिक्ट के सभी वर्कर चीफ ऑफिस जम्मू में ठीक 10 बजे पहुंचेंगे। इसलिए सभी वर्करों से अनुरोध है कि कृपया, हम ऐसे आलतू फालतू में घूमते रहते हैं तो उसके लिए हम कोई परवाह नहीं करते, लेकिन ये हमारा अपना काम है, ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है, तो हम एक दिन स्पेशली इसी काम के लिए हम जम्मू सभी वर्कर चले। इतना ही मैं सबसे अनुरोध करूंगा। जय साफ तौर पर आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह पीएचई डेली विजर्स जो है वो सरकार के खिलाफ जो है नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक लंबे अरसे से हम लोगों के मसाइल की ओर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, चाहे जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया हो, चाहे मरकज में बैठी भाजपा सरकार हो, लगातार पीएचई डेली विजर्स को जो है वो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इतने मेहनत के बावजूद और इस कड़ी धूप में 24 घंटे अपने फ्राइज अंजाम देने के बावजूद भी इनके सिर्फ 75 रुपये बढ़ाए गए थे, जिस पर पीएचई डेली विजर्स ने नाराज़गी का इजहार किया था और आज भी पीएचई डेली विजर्स नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारे मसाइल की ओर तवज्जो दी जाए, हमें बार बार सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना किया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस टूल डाउन स्ट्राइक के बाद जम्मू और कश्मीर इंतजामिया या मरकज में बैठी भाजपा सरकार इनके मसाइल की ओर तवज्जो देती है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर टुडे के साथ, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।